अजीनो मोटो हेल्थ के लिए नहीं होता है सही वैसे। आपका क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार नाम हुआ। ओके ठीक है, आप नरेंद्र मोदी मत बोल दीजिएगा। हमको देखते हैं 15 साल हो गए। अच्छा 15 साल हो, तुमको पता है सुकृति पांडे को तो आप लोग पसंद करते ही हो। होता है वो पहले सेका जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ पर आपको नॉन वेज वेज सारा कुछ मिल जाएगा, पर हम नॉन वेज नहीं ट्राई कर रहे हैं बिकॉज नॉन वेज हमको अभी नहीं खाना है, तो वेज ही हम ट्राई कर रहे हैं। और आप नाम क्या बताए भैया, एक बार बोल दीजिए। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, पनीर चीज रोल है ये तो ठीक है। अभी भैया आप लोग अपना नाम भी बता दीजिएगा, क्या नाम हुआ आप लोगों का? आपका क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार नाम हुआ। ओके आपका क्या नाम हुआ? आप नरेंद्र मोदी मत बोल दीजिएगा। गुड्डू कुमार। ओके कौन ना क्या बताए? सूरज कुमार। ओके ओके ओके, तो देखिए इसमें पनीर डाल दिया गया है, सही क्वांटिटी में है। देखते हैं आगे और क्या क्या डाल रहे हैं भैया। आप लोग अजीनो मोटो वगैरह कभी प्रयोग करते हैं क्या? नहीं ना जी, ठीक है। अजीनो मोटो हेल्थ के लिए नहीं होता है सही वैसे, लेकिन आजकल तो लोग डाल ही देते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पर तैयार हो रहा है रोल, ये चीज हो गया ना, ठीक है। देखिए भरपूर मात्रा में इसमें चीज भी डाला गया है। आप लोग देख सकते हैं ये टोमेटो सॉस जो ये यूज कर रहे हैं, गोल्डन क्राउन का है रिच टोमेटो, है ना। और ये आपका क्या हो गया? ये टॉप्स का हो गया। ओके ठीक है, टॉप्स तो काफी नामी ब्रांड है। ये तो हमारा ये रोल आ गया है हमारे हाथ में, तो हम ट्राई करते हैं, मेरी फ्रेंड बताएगी, मतलब मेरी फ्रेंड दिखाएगी और हम खाकर आप लोगों को बताएंगे कैसा लगा। एक भैया यहाँ पर आए हैं 2 से 4 बार, तो उनका कहना था कि यहाँ का नॉन वेज ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन हम जैसा कि आप लोगों को बताया हमको नॉन वेज अभी नहीं खाना है, तो हम वेज ट्राई कर रहे हैं। एक बाइट में यही बोलेंगे, हमको नहीं लगता है कि शायद यहाँ का नॉन वेज वाला अगर भी हम लेते तो इससे बहुत ज्यादा बेहतर होता, ठीक है। वो भी अपनी जगह पर कंपेटेबल है और ये अपने जगह पर है। आई है मेरे साथ छोटी बहन है, वो मेरी, ट्राई करवाते हैं, वो भी खाएगी और आप लोगों को बताएगी। चीज वगैरह इसमें भरपूर मात्रा में, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी, काफी टेस्टी है। ऐसे बोलेंगे मेरा 3रा रिव्यू का वीडियो है और ये भी वीडियो बहुत सही गया,
पनीर डाला हुआ है, फ्राई करके पनीर डाला हुआ था। ये जो इसका रोटी भी जो है आप आगे से देख रहे हैं, जो पराठा है इसका जिसमें रोल बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा नरम है और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होता है कि कहीं कहीं आप खाओगे तो वो थोड़ा सा खींचता है दांत से खाने पर, ऐसा कुछ नहीं है। खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत नरम है, मस्त ये कट भी रहा है खा रहे हैं इसको। तो हम तो चले इन्जॉय करने, आप लोग अभी जा सकते हैं। मेरे साथ जो मेरी बहन आई है, मैंने आप ये मत सोचेगा मेरी सगी बहन है, सगी बहन से बढ़ के, पर वो मेरी सगी बहन नहीं है, हम तो जैसा कि बताया हम इकलौते हैं। तो कि उसको कैसा लगा खाने में, इधर आओ, शर्माना मत। चलो तुम बता दो कि कैसा लगा। टेस्ट लग रहा है, सही है। हाँ। अच्छा लगा खाने में, बहुत टेस्ट, बहुत टेस्ट। और खास करके आपको जूठा खाया ना तो और बहुत अच्छा टेस्ट। ओह माय गॉड, तुम बता दी कि तुमको अपना जूठा खिलाया। देखिए इसका कहना है कि ये टेस्टी तो है ही, लेकिन हम जूठा कर दिया तो और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और मेरी जो फ्रेंड आई हुई है वो एग रोल खा रही है, तो उसके साथ तो आप टर्म्स एंड कंडीशन जानते हैं, तो एग रोल वो अभी खा रही है और उससे पूछ भी नहीं सकते हैं। इशारे में बता दो तो कैसा लग रहा है खाने में, एग रोल कैसा है यहाँ का, ऐसे ऐसे कर रही है कि हाँ अच्छा है, सही है ना। चलो फिर तो चलो तुम भी इंजॉय करो। हम जा रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा, हम आप लोग मेहनत बहुत करते हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग आप लोगों का थोड़ा सा नाम आगे करें, ठीक है। अब आप हमको ये बताइए कितना हो गया आपका टोटल, कितना 75 हो गया है। ये जो आप हमको पनीर चीज रोल दी उसका कितना बताया, 50। और ये जो अभी जो एक रोल दी उसका 25। तो हमारा हम लोग यहाँ पर पनीर चीज रोल खाए थे और उसके बाद एक रोल खाए थे, वो डबल एग था या फिर सिंगल एग रोल था, ठीक है, सिंगल एग रोल था। हमारा 75 रुपीज हुआ है। तो जैसा कि आपको हम बता दिए, भैया का नाम भी आप लोगों को बता ही दिए, देखिए हमारा पैसा इन्होंने काट लिया और दे दिया, ठीक है। तो आप लोग जरूर अगर इस तरफ आप आते हो, वीटू की तरफ आते हो, स्टेशन की तरफ आते हो, जरूर ट्राई करना यहाँ पर आकर, भैया का नेचर ही बहुत सही है। पर अभी के लिए आप लोग सब्सक्राइब करना और ऊपर से ये बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस करके रखना ताकि वीडियो आप लोग के पास आ जाए, 2 से 3 दिन में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके चलिए भैया, आप लोग से मिलकर बहुत सही लगा, थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारा ब्लॉग आज का यहीं पर अभी के लिए खत्म होता है और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह बता ही दोगे, हमको पता है सुकृति पांडे को तो आप लोग पसंद करते ही हो, ठीक है। तो ब्लॉग अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। बाय बाय, टेक केयर।